मैनपुरी के इतिहास में सबसे बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी तरीके से हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि मैनपुरी में ऐतिहासिक और विशाल से महापुराण की कथा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसकी किस तरीके से तैयारियां हो गई हैं आइए आपको भी दिखाते हैं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें किसी जनसभा की तैयारियों की नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक सभा की तैयारियों की तस्वीरें हैं, बल्कि बता दें कि इस पंडाल में मैनपुरी का इतिहास रचने वाला है। मैनपुरी जनपद के इतिहास में सबसे बड़ी कथा का आयोजन यहाँ पर होने वाला है। 22 जुलाई से सावन के महीने में यहाँ भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए शिव महापुराण की कथा का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियाँ लगभग अंतिम दौर में दिखाई दे रही हैं। 21 जुलाई को 5000 महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर कलश यात्रा निकालेंगी। 22 जुलाई से प्रखर और प्रख्यात देश विदेश में बहुत चर्चित शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से यहां कथा का रसपान श्रोताओं को कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां बिल्कुल अंतिम मोड़ पर दिखाई दे रही हैं। कथा के आयोजक जागी ब्लॉक प्रमुख मनीष चौहान और गुड्डू चौहान, जब सत्यम के मुख्य संपादक विशाल शर्मा ने विशाल और भव्य कथा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने अपने विशेष साक्षात्कार में क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां मैनपुरी का एक नया इतिहास रचने वाला है। 22 जुलाई से विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पे होने वाला है। विशाल और भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। लगभग तैयारियाँ अंतिम मोड़ में हैं और अंतिम रूपरेखा में यहाँ की तैयारियाँ हैं। करीब 1 से 1.5 लाख लोगों तक की भीड़ होने की यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ शिव महापुराण की कथा श्रीमुख प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से सुनाई जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पे तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं, लगातार पिछले 15 दिन से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं कथा के आयोजन को लेकर। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आयोजन समिति के आयोजक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जागीर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं मनीष सिंह चौहान जी। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से पूरा आयोजन होना है और किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, किन किन व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया जा रहा है, और जो भी भक्त आएंगे, जो भी श्रोता आएंगे, उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, इन सब के बारे में जानकारी जुटाएंगे। देख जी, बताइए कि यहाँ पे जो किसका आयोजन होने जा रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं श्योर वाले, उनका ये आयोजन होने जा रहा है शिव महापुराण कथा, और बहुत भारी व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु आने की लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। लोगों में जो मैनपुरी में जो चर्चा चल रही है कि करीब 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे होगी, क्या आप लोगों की तैयारियाँ किस तरीके की चल रही हैं? अब 10 लाख की तो नहीं पता, लेकिन व्यवस्था हम पूरी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेंट लगा रहे हैं, टेंट की तैयारी चली रही है, और अपना पूरा प्रयास है अच्छा भव्य कार्यक्रम हो और अच्छे से अच्छे हमारी व्यवस्था हो। यही व्यवस्था हम चाह रहे हैं कि कोई किसी तरीके कोई कमी ना हो पाए। मैनपुरी के इतिहास में ये माना जा रहा है कि पहली बार इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया जा रहा, पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या विचार आया था, किस क्या उद्देश्य लेकर ये कथा का आयोजन कराया जा रहा है? हमारे यहाँ कथा होती, भागवत होती है, 23 साल हो गए भागवत कराते हुए, तो ये हमारी कमेटी है हर साल भागवत कराती है, तो एक बार बीच में देवकी नंदन जी का भी प्रोग्राम हुआ था। अब की बार कमेटी के सदस्यों ने ये सोचा कि अब की बार ना कि कोई बड़ा बुलाया जाए, तो प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया जाए, तो प्रदीप मिश्रा जी के पास गए, हमारे तिलकन पंडित जी भी गए, तो उनकी वजह से समय मिल गया। ये लगभग ये जो पंडाल बनाया जा रहा है, पंडाल बड़ा पंडाल है, इसमें लगभग कितने लोग बैठने की व्यवस्था है, कितने लोग यहाँ पे बैठ सकेंगे एक साथ? अभी 2 लाख तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर होगी तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे लगभग जो प्रतिदिन कथा करीब 6 दिन तक लगातार चलेगी, प्रतिदिन कितने लोग यहाँ पे रुकेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी?
22 तारीख से 28 तारीख चलेगी कथा, और हमारी कमेटी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है, स्टॉल लगवा रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे श्रद्धालु हैं जो अपने खुद स्टॉल लगा रहे हैं, वो भी व्यवस्था करेंगे। पानी की व्यवस्था होगी, खाने की भी होगी, चाय समोसा सभी चीज़ यहाँ पर मिलेगा। इतने लोगों की भीड़ होगी, एक साथ में लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तो एक सुरक्षा का लहजा तो बनता ही है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई हैं? प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन पल पल पर यहाँ पर, कल कप्तान साहब भी आए थे, और CO अपर साहब और क्या नाम इंस्पेक्टर साहब बीच बीच में आते रहते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। DM साहब भी आ चुके हैं, DM साहब भी बहुत चिंतित हैं कि किसी तरीके से हमारा मैनपुरी में जो प्रोग्राम हो रहा है वो भव्य हो और कोई परेशानी किसी को ना पाए। तो आप बता रहे हैं कि कप्तान साहब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कप्तान साहब ने कोई ऐसा बताया कि हम इतने पुलिस के जवान लगाएंगे, इतनी सुरक्षा देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम बाहर से ही फोर्स बुला रहे हैं और पूरी व्यवस्था करेंगे, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूरी कथा की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। इतना बड़ा भव्य आयोजन मैनपुरी जनपद में पहली बार होने जा रहा है। बाहर से भी लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर आएंगे, और कथा के आयोजन को लेकर यहाँ व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से हैं, समुचित व्यवस्थाएँ, सुरक्षा व्यवस्था भी है, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, हर तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएँ परिपक्व हैं, हर तरीके से यहाँ पे श्रोताओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तैयारियाँ लगभग अंतिम मोड़ में हैं। आज 18 जुलाई का दिन है और 21 जुलाई से 28 जुलाई तक यहाँ शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाना तय किया गया है। 21 जुलाई को यहाँ भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 5000 महिलाएं शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। 5000 महिलाएं सर पे कलश रख के यहाँ से 21 जुलाई के दिन कलश यात्रा निकालेंगी, जिसके बाद 22 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री मुख से यहाँ शिव महापुराण कथा का सिर वचन होगा, जो लोग अपने कानों से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।